हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। आए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हम सब तैयारी कर रहे हैं। आज से मार्केट सब सज गया है, मार्केट में काफ़ी भीड़ हो गई है। 4 दिन का महान पर्व आस्था का महापर्व छठ पूजा है। आज दूसरा का दिन है और सभी लोग फल फूल ले रहे हैं और बाजार पूरा सजा हुआ है। बाजार में काफी भीड़ है। आस्था का महापर्व छठ पूजा, नारियल, संतारा, गागल सब सजा हुआ है और आज दूसरा का दिन है। छठ का दूसरा दिन है। आज रोटी और रसियाव बनता है और छठ व्रतिया इसको आज भोजन करते हैं। यही आज प्रसाद के रूप में खाएंगे और फिर कल डूबते हुए सूर्य का अर्घ देंगे, पूजा करेंगे। रोटी और रसियाव बन गया है और इसी को आज पूजा करके लोग आज भोजन करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद भोजन करते हैं लोग, छठ व्रत वाले लोग। आज मुस्कान का बर्थडे भी है और बर्थडे एंजॉय। आज मेरा बर्थडे है और आज है खरना और छठ मैया के दिन मेरा बर्थडे है। वीडियो बना रही हूँ। छठ घाट जाने की तैयारी हो गई है और हम लोग छठ घाट पहुंच गए हैं। ये स्टेन है, बहुत बड़ा स्टेन है। यहाँ पर प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हम लोग अपने गाड़ी खड़ा करके अब हम लोग छठ घाट जा रहे हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था की है प्रशासन ने और स्टेन गाड़ी स्टेन गाड़ी लगा कर हम लोग अब निकलेंगे। ये घाट पर हम लोग पहुँच गए और यहाँ काफ़ी भीड़ है। डूबते हुए सूर्य को लोग
पूजा कर रहे हैं। आस्था का महापर्व छठ पूजा, आज छठ पूजा है और ये सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं, डूबते हुए सूर्य भगवान को पूजा लोग कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं और कल उगते हुए सूर्य भगवान को पूजा करेंगे। आस्था का महापर्व है और सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को लोग जल अर्पित करेंगे। ये काफी आस्था का महापर्व छठ पूजा। छठी मैया का पर्व अब बिहार में नहीं, पूरे अब भारत में मनाया जा रहा है और कहीं कहीं विदेश में भी मनाया जा रहा है। छठी मैया का पर्व डूबते और उगते सूर्य भगवान का पूजा की जाती है और देखिए काफी भीड़ है। ये 3 दिन का पर्व होता है, नहाए खाए से लेकर, पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन रोटी और रसिया बनता है, तीसरा दिन लोग घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य भगवान को पूजा करते हैं और फिर सुबह में उगते हुए सूर्य भगवान की पूजा होती है। आस्था का महापर्व छठ एक ऐसा पर्व है जो कोई भी बाहर रहता है तो छुट्टी लेकर अपने गांव अपने शहर जरूर आता है और आस्था का महापर्व छठ है, इसमें सभी लोग का आस्था रहता है। अब शाम हो चुकी है, सूर्य भगवान अब डूबने वाले हैं, लोग अब उनको जल देकर अर्घ देकर लोग घर वापस जाएंगे, फिर कल सुबह आएंगे और उगते हुए सूर्य भगवान को घाट पर से आने के बाद अब कुर्सी भरा रहा है, कुर्सी भराएगा और चंदनी टाना जाएगा, ऊख से कुर्सी भरा जाता है। ये देखिए कुर्सी भरा रहा है, कुर्सी भरने के बाद हम लोग सुबह मॉर्निंग में फिर हम लोग घाट पर जाएंगे और उगते हुए सूर्य भगवान को पूजा करेंगे, जल अर्पित करेंगे। सुबह हम लोग घाट पर आ गए हैं और यहाँ पर भी कुर्सी भरा रहा है। सूर्य भगवान उदय हो गए हैं, सभी लोग सूर्य भगवान को पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी छठ व्रतिया लोग सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं और अर्घ देने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे। आज लास्ट दिन है यानी चौथा दिन है।
चार दिन के बाद यदि लोक आस्था का पर्व छठ पूजा की समाप्ति हो गई है। जय छठी मैया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें।